बिग बॉस के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिग बॉस, अरे यार इतनी वाहियात जगह, आप सुनते होगे उसके मतलब ख्याल आते, दिमाग नहीं आता। बिग बॉस में जाएंगे मजा नहीं आता। देखो इतने वाहियात जगहों में मैं तो नहीं जाना चाहूंगा बिल्कुल भी। तो इन फ्यूचर अगर आपके पास ऑफर आएगा तो? नो, बिल्कुल नहीं। वहां से ऑफर आए मैं जाऊं, देखो आपको भी पता है मैं कैसा हूं, तो नो, आई डोंट लाइक, बिल्कुल पसंद नहीं मुझे ऐसी जगह ना, बिल्कुल। A few moments later. सर बिग बॉस में आपके आपको कैसा लग रहा है? मेरे को मजा आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करूंगा, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। पहले तो आपकी राय कुछ और थी सर। नो। देखो यार मुझे नहीं जाना बिग बॉस के अंदर, ना मेरा कुछ लेना देना। मैं तो सिर्फ ये दिखा रहा था आपको कि भाई ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बाहर कहेंगे कि बिग बॉस ऐसी जगह, मैं और यहाँ बिल्कुल नहीं जाने वाला। मुझे कितने पैसे दे रहे हो मैं नहीं जाऊंगे। मैं बात कर रहा हूँ उसी के बारे में, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ वड़ा पाव गर्ल के बारे में। बाहर लोगों को ऐसे चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मेरा बच्चा है छोटा, मैं उसका ख्याल रखूंगी, मेरी टपरी कौन चलाएगा, वड़ा पाव भी तो बेचना है। ये सारी चीजें बोल के वो लोगों से इतनी सिंपैथी, अरे भाई। और अब देखो बिग बॉस के अंदर पहुंच भी गई और अब कह रही है हाँ बिग बॉस के अंदर ठीक है, आ गई, अच्छा है, ये है वो है, वाह क्या बात है। वहीं जैसे ही वड़ा पाव गर्ल बिग बॉस के अंदर पहुंचती है उस घर में जाके पता नहीं कौन सा सदमा लग गया भाई। वहां जाके ये तो बोलना ही बंद कर चुकी है और बोलना शुरू भी करती है तो अनिल कपूर जी उसका मुंह बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर चौरसिया जी इतनी बातें करते, इतनी न्यूज फैलाते हैं वेदर के बारे में, ये रिपोर्ट हो वो रिपोर्ट हो, मतलब 29 रुपए देकर भी न्यूज रिपोर्टिंग देख रहा हूं मैं, है सच्ची, वाह क्या बोला तूने। वहीं दूसरी ओर बिग बॉस के अंदर लव कटारिया जी को अनिल कपूर ने बोला कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, एल्विस के नाम के ऊपर वोट लोगे क्या, अपना कंटेंट दिखाओ, अपना जलवा दिखाओ। तो वहीं कटारिया ने बोला कि हाँ भाई फैंस अगर मुझे देख रहे हो तो मेरे बेस के ऊपर, मुझे जो मैं जो आपके लिए दिखा रहा हूं, मैं जो आपके लिए कर रहा हूं, उस बेस के ऊपर मुझे वोट देना। और भाई सबको पता है एल्विस के नाम के ऊपर वोट वहां पे आने हैं, आएंगे। देखो जियो वाले भी चाहते हैं कि वोट या कुछ भी जो होता है ना हाइप बनी रहे, एल्विस आर्मी के अंदर बने रहे, तो बार बार नाम लेकर आते हैं और भाई वो तो आना है। देखो कटारिया है एल्विस का खास है, तो भाई सीधी बात है आपको फेम मिलेगा और वोट भी मिलेगा। और उसी को देखते हुए कटारिया पहले नंबर पर है वोटिंग लिस्ट में। वाओ क्या बात है, एल्विस आर्मी फिर से कमाल कर रही है। ओहो बिग बॉस के घर से पायल मलिक की छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी के चक्कर में ऐसा होता है कि पायल मलिक बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। अब इस मायूसी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब उसको और ज्यादा रुलाने के लिए अरमान मलिक कहता है कि सही है तुम घर जाओ, बच्चों का ख्याल रखो, तुम्हारी यहाँ पे वैसे भी ज्यादा खास जरूरत है नहीं, तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे हो। इस बात को देखते हुए अनिल कपूर जी फिर से कहते हैं कि क्या बात तुम्हें लगता है कि यही रहनी नहीं चाहिए, या तुम इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, या शो के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। जैसे ये बातें बोली पायल मलिक और ज्यादा रोने लगी। अब वही बाहर आकर वही इतनी ज्यादा इंटरव्यू निकाल रही, इतनी ज्यादा लोगों के बीच चर्चित हो चुकी है। ये भी अच्छी बात है यार, बिग बॉस के अंदर जाओ, मायूस सा चेहरा बनाओ, बाहर आ जाओ, चाहे कैसे ब्याह हुआ अलग बात है, और बाहर आके एक तो खुद भी फेम हासिल करो और उसके साथ में साथ वालों को भी हासिल कराओ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे भी बिग बॉस ज्वाइन कर लेना चाहिए। बात तो सही है, पर कैसे आता है ये लेटर, कहीं टाइप वगैरह करना पड़ता है, बता देना यार मेरे को ना। एक तो यार बिग बॉस के अंदर फोन अलाउ कर दिया, ऊपर से 29 रुपए मांगने की क्या जरूरत आ गई भाई। अब बिग बॉस शो इतना गरीब हो गया क्या, इतना कमी आ गई, इतना पैसा नहीं आ रहा है क्या कहीं से जो हम लोगों से मांगो। और वो कौन लोग हैं जो 29 रुपए देखकर 24 घंटे इस चीज को लाइव देखते हैं, कौन है भाई वो लोग। अरे वाह वाह लव कटारिया, अरे वाह करो यार, आपस में लड़ क्यों नहीं रहे, अरे क्या क्या चल रहा है यार, बिना बात में लड़ रहे क्यों भाई, क्या क्या, अरे कहना क्या चाहते हो। अरे मैं थोड़ी शो देख रहा हूँ, मैं तो कुछ और देख रहा था, ये मैं खबरें देख रहा था। मैं क्या बोला तूने, मैं मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। मैं बाकी मैं कह रहा था कि इतना तो चलता है यार। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका को। मनोज के साथ में बेहतर एंटरटेनमेंट के साथ में स्पोर्ट्स भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट मतलब फिल्मी दुनिया को भी ऐसे ही मजेदार तरीका से बताएंगे आपको। शो के अंदर तो बने रहिए क्योंकि बिग बॉस मजा आ रहा भाई। मैं चलता हूँ, चलता क्या, मैं आता हूँ अगली वीडियो में। ओके।